नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सारे लोग जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और फिर हम लोग सेशन को शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के शानदार सब क्वेश्चंस हैं इस टेस्ट में और सारे लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फटाफट एक बार फटाफट जुड़ जाइए, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं। ओके, चलिए सारे साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग सेशन को प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे और आज हम लोग टेस्ट 3 नहीं टेस्ट 4 कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे, तो कल हम लोग टेस्ट 3 करेंगे, आज हम लोग टेस्ट 4 के सेशन को करेंगे। सभी लोगों को गुड इवनिंग, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा सवाल है, पूछा गया है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होगा, उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा वह वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है सर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताएंगे। देखिए उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग, किसके विषय में बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण के संबंध में बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, काल्पनिक इमेज बनेगा। दो कंडीशन ही इससे पूछे जाते हैं, उत्तल दर्पण से दो ही कंडीशन पूछे जाते हैं, क्या क्या, एक अगर देखो हमेशा दोनों डॉटेड लाइन के द्वारा इमेज बन रहा है, उत्तल दर्पण में डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन की जो भी इमेज होंगी वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा भैया, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा उत्तल दर्पण, तो ये काल्पनिक होगा और सीधा होगा, काल्पनिक और सीधा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा, सी इज द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, दो कंडीशन उत्तल दर्पण से बनते हैं, एक वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगा, एक वस्तु की स्थिति अगर दर्पण के सामने होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होता है, यही। लेकिन याद रखिएगा उत्तल दर्पण में दोनों इमेज जो होंगे वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, किसमें, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा। सी इज द राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल आपका क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, गोलिया दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, गोलिया दर्पण की फोकस दूरी पूछा है, गोलिया दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है, तो स्फेरिकल मिरर में पूछा गया है, तो गोलिया दर्पण की फोकस दूरी ये है सर, ये आपका क्या, वक्रता केंद्र, यह वक्रीय भाग का जो केंद्र होता है इसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। तो याद रखिएगा यहां पूछा गोलिया दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या, तो हमेशा जो ये फोकस दूरी होती है, और दूरी हम लोग हमेशा कहां से नापते हैं, पोल से, प्रावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, प्रावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो एफ स्कल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा आपने कि एफ स्कल टू जो होता है आर बाई टू, आपने पढ़ा होगा आर बाई टू, तो ये समझ में आ गया होगा कि गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो ए इज राइट आंसर। ए कितने लोगों का आंसर आया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग, जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं, सभी लोग सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर देंगे। चलते हैं अभी बहुत ही शानदार सब सवाल,
पूछा कि हजामत बनाने में कौन से दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण। तो आपको पता है यहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं अवतल दर्पण का? अवतल दर्पण का जो नेचर होता है साथी, वो छोटे चीज को बड़ा करके दिखाता है। साइड मिरर में हम नहीं लगाते हैं क्योंकि बड़ा सा गाड़ी दिखने लगेगा, समझ में आ रहा है? तो ये छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता है, छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है, कौन? अवतल दर्पण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल। द्रव्य के आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। द्रव्य की जो है आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर है पहला ऑप्शन, दूसरा आपका हाइड्रोमीटर है, उसके बाद आपका रेन गेज है, उसके बाद आपका ओडोमीटर से। जल्दी से बताइएगा, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, फटाफट बताएंगे आप लोग, स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हमने पूछा द्रव्य की आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, आपेक्षिक डेंसिटी, किसी द्रव्य की कितना घना है, घना मतलब समझते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्पेस कितना कम है, काफी करीब करीब है, डेंसिटी एक तरह से मानिए आप, द्रव्य का घनत्व कितना करीब करीब है, ये मापता है किस, कौन मापता है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या ओडोमीटर? आंसर का इंतजार रहेगा, बहुत लोगों का आंसर आ चुका है, बी नंबर आंसर आ चुका है, चार का बी नंबर, हाइड्रोमीटर। तो यहाँ पे देखते हैं, हाइड्रोमीटर जस्ट आपका लैक्टोमीटर जैसा होता है, दूध की शुद्धता मापा जाता है, लैक्टोमीटर डुबा के देता है, हाइग्रोमीटर भी यही है, डेंसिटी बताता है, दूध को भी चेक करते हैं, डेंसिटी ही चेक करते हैं, अगर उसमें पानी मिला देगा तो कम डेंसर हो जाता है लैक्टोमीटर दूध, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका हाइड्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो घनत्व जो आपेक्षिक घनत्व मेजर किया जाता है वो होगा हाइड्रोमीटर। एक यहाँ पे हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या करता है भैया? हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में अंतर देख लीजिए, यह ह्यूमिडिटी मेजर करता है, आर्द्रता, गर्मी के समय में ज्यादा आर्द्रता होता है, ठंडा के समय में कम आर्द्रता, सूखा मौसम होता है, ठंडा का जो मौसम होता है। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रो और हाइग्रो में अंतर रखना, हाइड्रो डेंसिटी को मापता है, हाइड्रो डी आ रहा है, हाइड हाइड आ रहा है ना, हाइड्रो डेंसिटी आ रहा है, तो घनत्व जब आएगा तो हाइड्रोमीटर होगा और हाइग्रोमीटर आद्रता को। एक होता है आपका ओडोमीटर, व्हाट इज मीन बाय ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है बताओ, ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर जो है गाड़ी की दूरी को, जैसे आप देख रहे होंगे आपके गाड़ी में जनरली 3 मीटर लगे होते हैं, सभी के गाड़ी में जनरली 3 मीटर होता है, एक पहला होता है स्पीडोमीटर, एक होता है ओडोमीटर, एक होता है टेकोमीटर। तो ओडोमीटर जो है ये होता है जो बताता है कि गाड़ी आपका कितना दूर चल चुका है, गाड़ी आपका जो है कितना दूर चल चुका है, ये कौन बताता है? ये बताता है आपका ओडोमीटर। तो इस वाले सेक्शन में क्या होता है, आप गलत करने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपेक्षिक आर्द्रता का आपका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोमीटर, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोमीटर आपका। एक बार सभी लोग सेशन को जरा शानदार तरीके से शेयर कर देंगे, जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल क्या है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता पूछा गया, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर, फाइडोमीटर, हाइग्रोमीटर या टेकोमीटर? यहाँ पे सारे मीटर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए जो चारों ऑप्शन में दिया है। तो दूध की शुद्धता तो तुम्हें पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर। फाइडोमीटर क्या करता है भैया? लैक्टोमीटर तो तुम जनरली देखे ही हो, लैक्टोमीटर होता कैसा है जिससे हम लोग दूध की शुद्धता को मेजर करते हैं। दूसरा आप देखेंगे फाइडोमीटर, यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइडोमीटर, फाइडोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई को मेजर करने में, समुद्र की गहराई को मेजर करने में इस्तेमाल किया जाता है फाइडोमीटर। किसमें करते हैं हम लोग? समुद्र की गहराई को मापने में, समुद्र की गहराई को मापने में हम लोग फाइडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? समुद्र की गहराई आपका करेक्ट आंसर होगा फाइडोमीटर। उसके बाद हाइग्रो बोला है तो आर्द्रता होगा, हाइग्रोमीटर क्या है? आर्द्रता मेजर करता है, हाइग्रोमीटर हमने बता दिया आर्द्रता मापता है, हाइग्रोमीटर। टेकोमीटर भी आपने जस्ट अभी पढ़ा है, टेकोमीटर क्या करता है? तो दूर, ये टेकोमीटर अलग है, अभी आपने ओडोमीटर पढ़ा, एक टेकोमीटर होता है जो आरपीएम मापता है, देखो जरा ये टेकोमीटर है जो कि आरपीएम मापता है, रोटेशन पर मिनट, आरपीएम रोटेशन पर मिनट, पर मिनट में आपका चक्का। आपने कभी गाड़ी में व्हील लगा होगा, देखा होगा दोनों में, तो ये जो होता है इसको शाफ्ट कहा जाता है, क्या बोलते हैं? शाफ्ट। तो रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में चक्का आपका कितना बार घूम रहा है, ये टेकोमीटर, ये भी गाड़ी में लगा होता है। तो टेकोमीटर भी होता है, ओडोमीटर भी होता है, स्पीडोमीटर, तीनों मीटर को आपने देख लिया, टेकोमीटर ये है, आरपीएम छोटा सा बगल में लगा रहता है जो टेकोमीटर है, हाइग्रोमीटर समझ में आ गया आर्द्रता, फाइडोमीटर समुद्र की गहराई, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता।
तो ये तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल प्यारे साथी क्या है आपका, जरा ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या है। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या एक लेंस। चालक के सामने, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मोटर गाड़ी में चालक के सामने क्या लगा होता है, मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा होता है। क्वेश्चन को एकदम प्यार से पढ़िएगा और प्यार से उत्तर करिएगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, एक लेंस। लेंस तो होगा ही नहीं, चलिए लेंस तो ऐसे ही हटा दे रहे हैं सर। समतल दर्पण को भी हमने काट दिया, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे क्या होगा आपका आंसर, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ए नंबर आ रहा है, उत्तल दर्पण। क्यों लगाते हैं हम उत्तल दर्पण, ये पता है उत्तल दर्पण क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये तुम्हें पता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़े चीज को छोटा करके दिखाता है, याद रखना, बड़ा चीज को छोटा करके दिखाता है। जैसे तुम्हारे पीछे एक ट्रक आ रहा है तो ट्रक को इतना छोटा करके तुम्हारे मिरर में दिखा देगा सर। तो बड़ा चीज को छोटा करने का जो प्रकृति होता है वो किसमें होता है, उत्तल दर्पण में होता है। बिल्कुल भी बात नहीं करना है, सीधा ध्यान फोकस हमें सिर्फ अपने काम पर करना है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, फोटोग्राफिक कैमरा का अवशिष्ट होता है, जल्दी से बताइए। फोटोग्राफिक कैमरा और आंख, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, मानव का नेत्र देखकर ही कैमरा को डिजाइन किया गया है, ये बात बिल्कुल समझिएगा। तो पूछा है फोटोग्राफिक कैमरा का अवशिष्ट होता है, जल्दी से बताइए, अवतल लेंस या उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण या अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे आप लोग, स्पीड में बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एकदम स्पीड में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट एकदम स्पीड में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, हमने पूछा है फोटोग्राफिक कैमरा का अवशिष्ट होता है, फोटोग्राफिक कैमरा में पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बताइएगा। कैमरा में जो लेंस इस्तेमाल होता है वो आपका उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल लेंस। आपके आंख में, नेत्र में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल ही होता है, आपके नेत्र में भी उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। उत्तल लेंस क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैमरा पूछे या आंख पूछे, लेंस उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अब देखो लेंस की पावर की, लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर में देखना, जरा ध्यान से। एक होता है लेंस का फोकस दूरी, फोकल लेंथ, मान लो यहां से यहां फोकल लेंथ है और इसका फोकल लेंथ थोड़ा छोटा है, तो ज्यादा, ये मान लो 5 सेंटीमीटर है सर और ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ज्यादा पावरफुल लेंस क्या होगा, 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा, बता दो कमेंट में आप लोग, ज्यादा पावरफुल लेंस कौन सा होगा बताइए, ज्यादा पावरफुल लेंस क्या होगा। यहां पे आपका होगा उत्तल लेंस, फोटोग्राफिक कैमरा में उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते, करेक्ट आंसर तो यही होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है जरा ध्यान से देखिएगा, हमने पूछा ज्यादा पावरफुल लेंस क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है, तो ज्यादा पावरफुल लेंस ये होगा, जिसकी फोकल लेंथ जितना छोटा होगा वो उतना ही पावरफुल लेंस होता है, याद रखिएगा। फोकल लेंस जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है पावर का, अगर लेंस का फोकल लेंथ बड़ा है तो कम पावरफुल है, कन्वर्जिंग मिरर इसी को कहा जाता है, सॉरी कन्वर्जिंग लेंस इसी को कहा जाता है, उत्तल लेंस को ही हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ओके चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल आपका क्या है ये जरा हम लोग ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है एकदम प्रॉपर वे में देखेंगे। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है, एयर बबल्स, हमने क्या बोला है, पानी में जो हवा का बुलबुला होता है किस तरह से कार्य करता है, कैसा कार्य करता है, हाउ डज एन एयर बबल्स इन वाटर वर्क, वाटर के अंदर जो है एयर बबल्स जो है वो कैसा कार्य करता है, बताओ तो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और एक बार सभी लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दे ताकि आपकी संख्या जो है दुगुना हो जाए, एक बार सभी लोग सेशन को शानदार तरीके से शेयर कर दीजिए साथी, ताकि आपकी संख्या जो है बिल्कुल दुगुना हो जाए, समझे, एक बार थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए शानदार तरीके से। क्वेश्चन क्या पूछा है, हवा, पानी की जो बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला, सॉरी पानी में जो है एयर बबल्स कैसा काम करता है, आ उत्तल दर्पण, दर्पण वाला तो पहले काट दो, दर्पण वाला दोनों ऑप्शन को कट कर दीजिए आप। अब लेंस है तो एक्चुअली डाइवर्जिंग लेंस आपने देखा होगा, पानी को ये प्रकाश को डाइवर्ज करने का काम करता है, प्रकाश को क्या करता है, डाइवर्ज, डाइवर्जिंग लेंस किसको कहा जाता है, अवतल लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है,
यहाँ पे आपका क्या होगा करेक्ट आंसर, अवतल लेंस आपका करेक्ट आंसर होगा, डी इज अ राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी इज अ राइट आंसर, डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर एकदम स्पीड में आना चाहिए था साथी, आंसर एकदम स्पीड में। अगले क्वेश्चन में चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इमेज से आपको याद होगा कि एयर बबल्स इन वाटर, एयर बबल्स आपका कैसा काम करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ये तुम्हें अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल आपका क्या है ये जरा देखते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमोस्फियर, तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है मीजर किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता, पता है आपको गर्मी के मौसम को हम लोग क्या कहते हैं, ठंडे के मौसम को हम लोग सूखा मौसम कहते हैं, ड्राई मौसम होता है उस समय, देखते हैं आप कोल्ड क्रीम सब लगाते हैं, तो नॉर्मली हम कहते हैं वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो आर्द्रता पूछा है, आर्द्रता यहाँ पे हमने बोला हाइग्रो और हाइड्रो दोनों है, तो आर्द्रता जब पूछा है तो हाइग्रोमीटर होगा, क्या होगा हाइग्रोमीटर। और जब आपको सापेक्षिक घनत्व जल का पूछा जाता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर होगा, ये जितने लोगों ने भी आंसर किया, आर्द्रता जब पूछा जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आर्द्रता में आपका करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर, ए इज द राइट आंसर। बट अगर सापेक्षिक घनत्व पूछा जाता तो सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए जो है वो हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, डेंसिटी। बायरोमंडल बायरोमीटर जो होता है, नॉर्मली हमने बताया था ह्यूमिडिटी मेजरिंग करता है ये आपका, हाइग्रोमीटर जो है करता है हाइग्रोमीटर। दूसरा चीज हमने बताया था हाइड्रोमीटर, हमने बताया था कि ये घनत्व जल, जल का सापेक्षिक घनत्व को मेजर करता है। बायरोमीटर जो है, बायरोमीटर देखिए कैसा होता है बायरोमीटर, तो ये वायुमंडलीय बायरोमीटर एयर प्रेशर को मेजर करता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको फिजिक्स में जानना चाहिए, एयर प्रेशर, जैसे हम रहते हैं कहाँ, क्षोभ मंडल में, हमारे हमारे ऊपर एयर प्रेशर ज्यादा होता है, हम ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, ऊपर जाने से एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, प्रेशर कम होता है। आप पहाड़ों पर चल जाएंगे तो आपके प्रेशर कम है, हमें अभी ज्यादा लोड ऊपर से मिल रहा है, लेकिन हम ही अगर छत पर चले जाए तो थोड़ा प्रेशर तो कम होगा, बीच में जो एयर है वो तो कम से कम प्रेशर कम डालेगा। इसलिए कभी आपने पढ़ा होगा कि पहाड़ पर अगर आप कोई यात्री जाता है तो उसको क्या होता है, ब्लड जो है उसका शरीर से बाहर आ जाता है, क्योंकि एयर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और शरीर का प्रेशर कम हो जाता है। अभी जो हम रहते हैं, हमारा एयर प्रेशर और बॉडी का प्रेशर दोनों क्या होता है, एकदम एक समान होता है, मतलब प्रेशर बैलेंस होता है, तो बॉडी से ब्लड बाहर नहीं आता। अगर आप कम प्रेशर में जाएंगे तो बॉडी से ब्लड बाहर आएगा ही आएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, बायरोमीटर जो है, अगर बायरोमीटर एकाएक गिर जाए, इसकी कांटा अगर एकाएक गिर जाए, एक सवाल और पूछा जाता है, अगर एकाएक बायरोमीटर की कांटा, इसका मतलब आंधी तूफान आ रहा है। एक है आपका अल्टीमीटर, व्हाट इज मीन बाय अल्टीमीटर, अल्टीमीटर है क्या, तो अल्टीमीटर जो है, क्या बोला है मैंने, अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर जो है वो ऊंचाई को मापता है। अल्टीमीटर क्या होता है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर कितने हाइट पर उड़ रहा है, ये चीज मेजर करता है कौन, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मेजर करता है कौन, मेजर करता है अल्टीमीटर जो है, ये हाइट को मेजर करने का काम करता है, हाइट को कौन मेजर करता है, अल्टीमीटर। तो ये तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, हाइट को मेजर करने का काम कौन करता है, अल्टीमीटर जो है वो हाइट को मेजर करता है। यहां तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है आपका, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं अगले सवाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देखते हैं। क्वेश्चन ज्यादा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आराम से इत्मीनान से एक एक बातों को समझिए, बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे कमेंट में सिर्फ। भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है, भूकंप मापी यंत्र बताइए, भूकंप मापी यंत्र, भूकंप मापी यंत्र आप बताइए जल्दी से, एक बार सभी लोग शेयर करेंगे सेशन को, भूकंप आज 1000 से पहले नहीं रुकना चाहिए। भूकंप मापी, हमने पूछा भूकंप मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ होगा, कार्डियोग्राफ होगा, जल्दी से बताइए, डिक्टाफोन होगा, एकदम स्पीड में बताइए। इसमें चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता है क्या, बताइए, इसमें चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता है क्या, बताइए तो, किसको किसको इस चारों ऑप्शन के बारे में, तो एक चीज तो सबको पता होगा, चलो ठीक है, ये हमने जान, सर ये आपको पता है, कार्डियोग्राम क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कार्डियोग्राम, या स्ट्रोबोस्कोप क्या होता है, डिक्टाफोन क्या होता है, ये बताओ, ये जल्दी जल्दी बताओगे,
तो देखो पहले आप सिस्मोग्राफ तो समझ गए, ये तो ठीक है, आसान बात था कि 10 का आंसर ये नंबर होगा सर। भूकंप मापी यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, यही सिस्मोग्राफ होता है जो भूकंप को मेजर करने का काम करता है। किसको मेजर करता है? भूकंप को मेजर करने का काम करता है। लेकिन अगर आपसे कार्डियोग्राम के बारे में पूछा जाए तो ये कार्डियोग्राम क्या करता है? हृदय गति को मेजर करने का, ये आपका ईसीजी कभी जाइएगा एक निकाल के लिस्ट देगा, हृदय गति को मेजर करता है। और ज्यादा हृदय गति किसका? जितना छोटा बच्चा होता है जैसे नवजात शिशु है उसका लगभग 150 बार हृदय कंपित होता है एक मिनट में। तो छोटा बच्चा का हृदय ज्यादा धड़कता है, याद रखिएगा। तो कार्डियोग्राम भी तुम्हें समझ में आ गया, हमने क्या बोला, कार्डियोग्राम भी समझ में आ गया, हृदय गति को मेजर करता है कार्डियोग्राम। ये स्ट्रोबोस्कोप क्या है बताओ? स्ट्रोबोस्कोप क्या है? किसी में अगर आवर्तीय गति हो रहा है, आवर्तीय गति समझ रहे हो, पेंडुलम में होता है इधर 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 इधर, आवर्तीय गति को मापने के लिए स्ट्रोबोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? स्ट्रोबोस्कोप। एक आपका है डिक्टाफोन, ये होता है सर डिक्टाफोन है, ये आपका डिक्टाफोन है। ये क्या करता है? ये मोबाइल जैसा होता है, वॉइस को बातचीत कर रहे हैं ना उसको रिकॉर्डिंग किया जाता है, बाद में सुना जाता है, मतलब जैसा वॉइस रिकॉर्डर है, इसको हम लोग डिक्टाफोन कहा जाता है, वॉइस रिकॉर्डर डिक्टाफोन। अगर क्वेश्चन में पूछ दे, कुछ कुछ ऐसा लैंग्वेज आता है जिसका इस्तेमाल हम लोग को याद ही नहीं रहता, हमने कभी देखा ही नहीं सुना ही नहीं, तो उसी तरह एक डिक्टाफोन आता है। तो डिक्टाफोन क्या करता है? वॉइस को रिकॉर्ड करता है, बातचीत को रिकॉर्ड करता है, हम लोग बाद में सुन सकते हैं। और स्ट्रोबोस्कोप क्या करता है ये तुम्हें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं बताओ? ध्वनि की तीव्रता एक बार सभी लोग शेयर करते रहेंगे जितने भी साथी देख रहे हैं। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता जो है किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। ये तो आसान बात है, डेसिबल में मापी जाती है। और जो होता है ध्वनि तरंग, कैसा तरंग है? एक ये मैकेनिकल वेव है, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। और 20 हर्ट्ज से कम जो आवृत्ति होती है, 20 हर्ट्ज से कम जो होती है, कम की विषय में हम बात कर रहे हैं, कम के संबंध में, यह अपश्रव्य होता है, हम लोग सुन नहीं सकते। श्रव्य होगा 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20,000 हर्ट्ज से कम, एडजेट से कम की जो बीच वाली जो ऑडियो है ये हम लोग सुन सकते हैं, श्रव्य है। और उससे ज्यादा प्राश्रव्य होता है कोई भी ध्वनि तरंग हो, श्रव्य हो, अपश्रव्य हो, प्राश्रव्य हो, किसी भी ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। कोई भी हो, 20 से कम हो, 20,000 से ज्यादा हो, कोई भी हो, ट्रेवल करने के लिए मीडियम तो जरूर चाहिए। पहला चीज, ये एक मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे है, ध्वनि तरंग जो है एक यांत्रिक तरंगे है। दो तीन बातें और भी इसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए। एक होता है वेवलेंथ, तरंगों की बीच की दूरी को हम लोग तरंग धैर्य कहते हैं। दो तरंगों के बीच की दूरी को तरंग धैर्य कहा जाता है। अगर आपको दो ग्राफ दे दे, ऐसे एक ग्राफ दे दे, एक ऐसा ग्राफ दे दे और एक ऐसा ग्राफ, पूछेगा सबसे स्पीड कौन सा है, सबसे स्पीड ध्वनि तरंग किसका है, ए नंबर वाला या दो नंबर वाला? आप बताओ, जल्दी से बताओ, सबसे स्पीड ध्वनि तरंग किसका है? ज्यादा तेज से ये बोल रहा है या ये बोल रहा है बताइए? ज्यादा तेजी से ये वन नंबर वाला इमेज ग्राफ है या ये? जब आप धीरे बोलेंगे तो वेवलेंथ ज्यादा बड़ा होगा, जब आप तेज तेज बोलते हैं तो वेवलेंथ, तरंग धैर्य। और वेवलेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंग धैर्य का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो मीटर होता है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप। तरंग धैर्य का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप तेज तेज बात करते हैं तो वेवलेंथ छोटा होता है, जब बहुत धीरे बात करते हैं आप तो वेवलेंथ आपका बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से आप लोग देखिए, समझ में आ रहा है ना, एकदम आराम से। और एक बार थोड़ा सेशन को शेयर करते रहिए, ठीक है? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? मानव पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? मानव रेटिना पर वास्तविक एवं सीधा, वास्तविक एवं उल्टा, काल्पनिक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा, मानव रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब, हमने क्या पूछा है? मानव के रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है, फिजिक्स में नेत्र चैप्टर आप नॉर्मली देखेंगे, लाइट चैप्टर में, मानव के रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर, तो रेटिना पर जो इमेज बनता है, जैसे देखो यहाँ पर एक मधुमक्खी है और ये क्या है, ऐसा है, तो यहाँ पे जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। क्या होता है? वास्तविक इमेज और उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होंगे आपके, बी इज द राइट आंसर, वास्तविक और उल्टा,
मानव रेटिना पर बना हुआ इमेज जो होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक इमेज होगा रियल होगा, इसका है। अब तुम किसी भी व्यक्ति को देख रहे हो तो सोचो उसका उल्टा इमेज तुम्हारे रेटिना पर बन रहा है, मतलब उसका सर कहाँ है नीचे है और पैर कहाँ है ऊपर है, उल्टा इमेज बन रहा है रेटिना पर। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे आप, समझ में आ रहा है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, वास्तविक और उल्टा इमेज बन रहा है रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल आपका 13 नंबर है, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को बताएंगे, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, जल्दी से बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्यारा सा सवाल है, बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है, जब दो प्लेन मिरर को रखा जाए, जरा देखेंगे, जब दो प्लेन मिरर रखा जाए बीच में कोई व्यक्ति होगा तो अनंत इनफिनाइट, आप कभी जाइएगा, जब दो प्लेन मिरर कमरे के आमने सामने रखा है बीच में आप चले जाइए, अनंत प्रतिबिंब बनेगा, इनफिनाइट आपका होगा। दो क्वेश्चन और जनरेट होते हैं इससे, दो क्वेश्चन और बनते हैं मेरे प्यारे साथी। पहला क्वेश्चन बनता है, अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो प्रतिबिंब की संख्या, मतलब एक होता है 360, जरा देखेंगे, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस वन, तो थीटा का मान अगर सम संख्या हो, 90 क्या है सम संख्या, तब हम माइनस वन करेंगे। अगर थीटा का मान, अगर 90 डिग्री पर दो प्लेन मिरर को रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे, तो 90 से हम डिवाइड करेंगे किसमें, 360 डिवाइडेड बाय 90, और 90 से जब 360 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 माइनस 1 होगा आपका 3, 3 प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन अगर 45 डिग्री पर हो, अगर 45 डिग्री पर दो दर्पण हो तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे, तो इसमें सीधा करेंगे 360 बटा 45, थीटा का मान 45 डिग्री कितना आ जाएगा, 8 बार में। अब यहाँ पे हमने माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि यह विषम संख्या है, थीटा का मान अगर विषम संख्या होगा तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर सम संख्या होगा तो माइनस करने की आवश्यकताएं है, माइनस करने की जरूरत है, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, अगर सम संख्या होगा तो माइनस करने की बिल्कुल जरूरत है। अगले सवाल में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल तुम्हारा क्या है, 13 नंबर, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का, अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, गायरोस्कोप होगा, सेक्सटेंट होगा, या स्टेथोस्कोप होगा, स्टेथोस्कोप होगा, तो बताइए जल्दी से, हृदय की गति को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही शानदार सवाल है, चौदह का आंसर सी नंबर है, स्टेथोस्कोप। ये तो डॉक्टर पास गए होंगे आप लोग, आपके भी हृदय की गति को सुनते हैं डॉक्टर साहब, ये तो आसान क्वेश्चन था, चलो ठीक है तुमने बता दिया, स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बताओ जरा कि गायरोस्कोप का इस्तेमाल कहां किया जाता है, ये तुम्हें पता है क्या, गायरोस्कोप बताओ, गायरोस्कोप हमने पूछा है, गायरोस्कोप का, ये तो ठीक है चलो आसान सा बात था, तुम्हें पता चल गया हृदय की गति को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, गायरोस्कोप का तो एक्चुअली क्या है, गायरोस्कोप क्या करता है, जल्दी से यहां बताइएगा आंसर। अब थोड़ा सा हिंट हमने दे दिया है, गायरोस्कोप का हिंट हमने दे दिया है, जल्दी से बताइएगा, गायरोस्कोप जरा देखिएगा ध्यान से, गायरोस्कोप ये है सर, गायरोस्कोप नॉर्मली क्या होता है, गायरोस्कोप जो घूमता हुआ वस्तु है उसकी गति को मापता है, घूम रहा है कोई चीज उसका गति क्या है, घूमते हुए वस्तु की गति मापने के लिए गायरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, घूमते हुए वस्तु का, समझ में आ रहा है, स्टेथोस्कोप समझ में आ गया, गायरोस्कोप समझ में आ गया, समझ अब क्या नहीं आया, सेक्सटेंट क्या है, अब ये भी आप जानो, तो यहां पे चलो यहां पे पीछे सॉरी हाँ, अब ये क्या करता है, खगोलीय पिंडों की जो बीच का एंगल निकालता है, समझ में आ रहा है, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को निकालता है, आकाशीय पिंड का जो है गोलीय दूरी, कोणीय दूरी आप बोल सकते हैं, कोणीय दूरी, सूर्य चंद्रमा ये कौन करता है, सेक्सटेंट करता है, समझ में आ रहा है, तो घूमते हुए वस्तु की गति मापता है गायरोस्कोप, सेक्सटेंट, स्टेथोस्कोप, ये आपको अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वायुमंडलीय दाब की मापी जाती है, तो एयर प्रेशर जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो है वो किसके, लैक्टोमीटर, मैनोमीटर या ओडोमीटर या बैरोमीटर, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एकदम स्पीड में आप लोग करेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन एकदम स्पीड में, 15 बहुत आसान, वायुमंडलीय दाब, एयर प्रेशर, तो वायुमंडलीय दाब आपका तो बैरोमीटर हो जाएगा, लेकिन लैक्टोमीटर भी पता है आपको,
लैक्टोमीटर पता है दूध की शुद्धता, ओडोमीटर पता है गाड़ी आपका 560 किलोमीटर चला है या 5060 किलोमीटर चला मान के चलो, ये कौन बताता? ओडोमीटर बताता, ओडोमीटर ही बताता है कि गाड़ी को आप सर्विसिंग कराना चाहिए 5060 किलोमीटर चल गया या जितना भी एक्स वाई जेड जो भी किलोमीटर चला है वो आपका कौन बताता है? ओडोमीटर बताता है। कौन वाला? ये बैरोमीटर है, वायुमंडलीय दाब। इसमें स्पीडोमीटर, ये जो होता है तत्कालीन चाल को बताता है, स्पीडोमीटर भी होता है ओडोमीटर भी होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में, आप लोग गलत कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 को आप बिल्कुल गलत कर सकते हैं, मैं भी ऐसा लगता है मुझे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। आपने अगर सरल सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु को देखा है तो उसको कहाँ रखा जाता है? लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, फोकस दूरी के बाहर, वक्रता केंद्र पर या अनंत पर? लेंस में, यह सब जगह आपने पढ़ा होगा वस्तु की स्थिति के बारे में, तो जल्दी जल्दी बताइएगा। एक बार सभी लोग थोड़ा सा सेशन को शेयर करते रहे, जितने भी मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं थोड़ा सा आप लोग शेयर करते रहिए सेशन को, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके क्लास के बाद बताइएगा। अभी तो आप पढ़िए, और थोड़ा सा अभी बात कम कर पा रहे हैं आप लोगों से क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया है। सरल सूक्ष्मदर्शी, हमने क्या बोला है? सरल सूक्ष्मदर्शी फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। सरल सूक्ष्मदर्शी, हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, कहां पर रखा जाता है वस्तु को? तो वस्तु को जो है लेंस और प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ऑप्टिकल सेंटर होता है, ऑप्टिकल सेंटर दोनों में होता है, उत्तल लेंस की बात करें या अवतल लेंस की बात करें, दोनों में आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। एक क्वेश्चन और भी बनता है, ऑप्टिकल सेंटर यहां पे करेक्ट आंसर होगा लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, लेंस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। एक क्वेश्चन और भी आपका यहां से बनता है, अगर प्रकाशीय केंद्र से कोई भी प्रकाश गुजरता है ये बिना विचलन का, कहीं डाइवर्ट नहीं होता है, इधर उधर कहीं ना जाएगा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट गुजरता है तो यह प्रकाशीय केंद्र लेंस के बीच में होता है। कहां होता है? लेंस के बीच में होता है प्रकाशीय केंद्र, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला जाता है साथी? ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल आपका क्या है? अमोनिया गैस बनाने की हाइवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनाते हैं NH3 अमोनिया गैस, तो यहां पे है कि अमोनिया गैस बनाने में किस हैवर विधि का उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक, बहुत ही शानदार सब सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 बताएंगे आप। चलिए एक बार फटाफट आंसर आप लोग करेंगे, जितने भी मेरे प्यारे साथी देख रहे हैं एक बार फटाफट स्पीड में आंसर करेंगे और थोड़ा सेशन को शेयर भी करते रहेंगे। अमोनिया गैस बनाने में हैवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? हैवर विधि में अमोनिया गैस जब बनाते हैं, हैवर प्रोसेस क्या होता है? हम इसको गर्म किए, वेपोराइज हुआ, फिर उसको हम लोग उत्पादन प्रोसेस भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे कोल गैस हमारा निकलता है, तो यहाँ पे हम लोग लौह चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। किसका? लौह चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? यह दूसरा नंबर में आता है सर, पृथ्वी पर दूसरा नंबर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु, ऐसे अगर बात करें पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जिसकी परमाणु संख्या 13 होता है। कितना होता है? 13। अगर उपधातु के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाए तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु क्या होगा? सिलिकॉन होता है। इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 14 होता है। देखो 13 और 14, उपधातु में 14 आएगा। अगर अधातु से क्वेश्चन पूछ दे, अधातु में हमारा ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, O2 आप लिखेंगे, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है भैया? 8 होता है। 8, 13, 14 धातु पूछेगा। धातुओं के टोटल नंबर ऑफ मेटल कितने होते हैं? पृथ्वी पर सारे धातु कितने होते हैं? तो धातुओं की जो संख्या होता है वो 91 होता है। अधातुओं की संख्या, अधातुओं की जो संख्या होता है वो कितना होता है? 20 होता है। और अगर हम बात किया जाए उपधातु के संबंध में, तो उपधातु जो होते हैं वो कितने होते हैं भैया? 7 उपधातु होते हैं। कितने? 7 उपधातु भी आपको याद होना चाहिए। हम लोग तो ऐसे याद रखे हुए हैं, कैसे? क्या परमाणु संख्या 5, 14 और आपका 32, 33 33 में आर्सेनिक है, और आपका 51 और 52, और आपका 1, 84 में पोलोनियम है। ये 7 उपधातु है। परमाणु संख्या 5 बोरोन का है, 14 सिलिकॉन का है, 32, 33, 51, 52 एंटीमनी और टेलेरियम। ये ऐसे आप जनरली याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उपधातु तो पता ही रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो धातु सबसे ज्यादा पृथ्वी पर एल्युमिनियम है, दूसरा नंबर में धातु लोहा पूछा जाता है। मानव द्वारा सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला धातु लोहा है, सबसे ज्यादा।
इस्तेमाल किया सबसे पहले बताइए, तो ताम्र पाषाण काल आया था, तांबे का युग, तो तांबा कॉपर होगा जिसकी परमाणु संख्या 29 होता है। सबसे पहले मानव ने तांबे का इस्तेमाल किया था, कॉपर का इस्तेमाल किया था, ताम्र पाषाण काल। फिर बाद में लौह युग आया था, पहले पाषाण काल आया था, पत्थर की युग, तो उसके बाद आया ताम्र और पाषाण काल। अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तांबा और पत्थर दोनों का इस्तेमाल जिस काल में किया जाता था उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं, ठीक है, तांबा और पत्थर दोनों का जिसमें इस्तेमाल किया जाता था, और एक लोह युग में सिर्फ लोहे का। चलते हैं आगे बात, ताम्र युग भी आपने पढ़ा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ फिजिक्स पे हम लोग चलेंगे। अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा तब वस्तु के बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ होती। बहुत अच्छा सवाल है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि अवतल दर्पण में वस्तु, देखिए अवतल दर्पण में वस्तु की जो स्थिति होती है, जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के संबंध में हम बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण में जो है नॉर्मली 6 स्थिति पूछा जाता है वस्तु का, 6 कंडीशन पूछा जाता है। ये आपका अवतल दर्पण है, और एकदम ध्यान से अगर 2 मिनट देख लिए तो आप बता देंगे सारे क्वेश्चन। ये आपका वक्रता केंद्र है, सी है, ये आपका यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ध्रुव है, पोल है, दिस इज कॉल्ड द पोल, एंड यहाँ के बाद वाले जगह को अनंत होता है। तो वस्तु की पहला स्थिति अनंत पर होता है, दूसरा वक्रता केंद्र से दूर या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, और चौथा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चौथा कंडीशन होता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, पांचवा कंडीशन होता है वस्तु फोकस पर होगा, छठा स्थिति होता है फोकस और ध्रुव के बीच होगा। तो फोकस और ध्रुव के बीच जब भी होगा तो ये इमेज जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे काल्पनिक और सीधा बनेगा। तो फोकस और ध्रुव के बीच ये छठा नंबर कंडीशन का जो होगा, फोकस और ध्रुव के बीच। लेकिन बाकी इन पांचों चीजों का अगर आप देखा जाए, पूछेगा वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यहां होगा। अगर यहां से आगे बढ़ेंगे वक्रता केंद्र से दूर तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर तो वक्रता केंद्र पर, समझ में आ रहा है ना। यहाँ 3 नंबर का इमेज यहाँ बनेगा, चौथे का इमेज यहाँ बनेगा भैया वक्रता केंद्र से दूर, और पांचवे का अनंत पर, अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर। यह लाल वाला इमेज मैंने लिखा है, ये सारे वास्तविक होते हैं, ये सारे रियल इमेज होते हैं अवतल दर्पण में, ये पांचों वास्तविक, काल्पनिक की वस्तु सिर्फ यही होता है जो डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, समझ में आ रहा है। तो फोकस और ध्रुव के बीच होते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चन तो ऐसा है जो विदिन 10 सेकंड आप बता सकते हैं। ये वस्तु की स्थिति, ये प्रतिबिंब की, 6 स्थिति होते हैं, वस्तु अनंत पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, वक्रता केंद्र पर हो, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस पर हो, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इधर से ये आगे बढ़ रहा है। तो जगह का नाम पता होना चाहिए, तुरंत बता दोगे पेपर में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट सवाल आपका क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। रक्त का दाब किस यंत्र के द्वारा, ब्लड प्रेशर कौन से यंत्र के द्वारा, अगर ब्लड प्रेशर हो गया किस यंत्र के द्वारा, एनीमोमीटर से मेजर करेंगे, ग्लेब्नोमीटर से, स्फिग्नोमैग्नोमीटर से, या पाइरोमीटर से, बताओ। अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो किससे मेजर करेंगे, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। ब्लड प्रेशर अगर हो गया तो, ये मुझे नहीं आता था, पहले आता था, चलिए नेक्स्ट में, बिल्कुल नेक्स्ट ही चलेंगे, थोड़ा आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पढ़ना जो है ना बहुत कम ही चीज होता है, लेकिन एकदम आराम से वही चीज आपको एग्जाम में याद रहता है। आपने अभी तक के अपने जीवन में 10 साल 12 साल पढ़ाई किया होगा, क्या क्या याद है ये कभी आपने सोचा है, जिसको आपने बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ा है वही चीज आपको पेपर में काम देता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा, स्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अब यहाँ पे एनीमोमीटर आपको नॉर्मली पता है, ये स्फिग्नोमैग्नोमीटर है नॉर्मली, इसमें सबने हम बता दिए, पायरोमीटर, ग्लेब्नोमीटर, एनीमोमीटर सबका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड जो होता है, कोर जो होता है, ट्रांसफार्मर का कोर किससे बना होता है, नर्म लोहा, निकेल से, तांबा से, स्टेनलेस स्टील से, बताइए। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है, किनारा क्रोड होता है, नीचे में क्वाइल में जो क्रोड लगा होता है वो किसका बना होता है, ट्रांसफार्मर का। नॉर्मली कहेंगे सर ये कौन सा क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है ये आपका नर्म लोहा का बना होता है, किसका, नर्म। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होने से जंग नहीं लगता है, क्रोमियम की मात्रा ज्यादा होने से जंग नहीं लगता है। कॉपर की परमाणु संख्या 29 होता है, ये तुम्हें पता ही है, तो याद रखिएगा ये नर्म लोहा का बना होता है, किसका बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है, नर्म लोहा का बना होता है।
आपका 21 का आंसर जो होगा ए इज द राइट आंसर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ट्रांसफार्मर, ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप पेपर में जनरली छोड़ते हैं। पेपर में जनरली क्या करते हैं भाई साहब, पेपर में जनरली इस सब क्वेश्चन को आप छोड़कर आते हैं। एक बार सभी लोग शेयर करते रहिए थोड़ा सेशन को, हमें भी ऊर्जा मिलता है, हमें भी मजा आता है सर पढ़ाने में। थोड़ा सा आप लोग शेयर कीजिए फटाफट। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये जो होता है आपका कौन से सिद्धांत का, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक या आपका ऑन द लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे जो आपका होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित होता है। जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम आपने फैराडे रोल में आपने पढ़ा होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपने पढ़ा होगा, तो इस पर ही कार्य करता है आपका ट्रांसफार्मर। तो बी इज द राइट आंसर, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर में कौन सा करंट का इस्तेमाल किया जाता है, एसी को डीसी में, डीसी एसी, डीसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए एक बार आप लोगों का कमेंट, थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए, सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो ठीक है। तो फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग, एक बार स्पीड में आप लोग बताएंगे सर। तो डी नंबर आंसर आया, एसी वोल्टेज को अप या डाउन करने में, ऑक्सीडाइज करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना घटाना, एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट को अप डाउन करने के लिए। अब देखो एक्चुअली एसी करंट क्या होता है, अगर तुमसे क्वेश्चन एसी करंट पहले देखो समझो, मोबाइल चार्ज, लैपटॉप चार्ज, ट्रेन का इंजन सब डीसी में चलता है, डीसी करंट से। बोलिएगा सर ट्रेन का इंजन भी, बिल्कुल, ट्रेन के ऊपर जो वायर होता है वो एसी करंट का होता है, लेकिन इंजन में रेक्टिफायर लगा होता है जो डीसी में, डीसी में बहुत पावरफुल है, पूरा झटका मारेगा। लेकिन लंबा दूर तक ले जाना है, मान लो दिल्ली से बिजली मुंबई लेकर जाना है, कौन सा करंट लेकर जाएंगे, एसी या डीसी, तो एसी करंट को लेकर जाएंगे, एसी करंट अल्टरनेटिंग, डीसी मारता सीधा जाता है और एसी करंट जो होता है वो अप डाउन चलता है, ये बात ध्यान रखिए। तो अब देखिए आपके गांव में ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफॉर्म करता है, किसको ट्रांसफॉर्म करता है बताओ, आपके गांव में लगा होगा सर ट्रांसफार्मर, गांव में आने से पहले बिजली एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, शहरों में हर जगह लगता है, गांव में क्या, शहर वहर में हर जगह लगा होता है। तो ट्रांसफार्म क्या, आप वहां पे 11,000 वोल्ट, आपके घर में तो 440 पहुंचा रहा है, तो ये एसी को वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए काम किया जाता है। वोल्ट ट्रांसफार्म इसलिए लगाया कि 11,000 का बिजली आपके घर तक ना चले जाए, कम करके जाए, ठीक है, इसीलिए लगाया जाता है ट्रांसफार्मर को। आज से उसको दूसरे नजरिए से देखिएगा ट्रांसफार्मर को। अब समझिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज व्यवहार किसके मापने के लिए किया जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है जिस क्वेश्चन को आप ज्यादातर छोड़ के आते हैं फिजिक्स में। हमने क्या बोला है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज इसका थ्योरी भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो प्रतिरोध, किसको, प्रतिरोध का व्यवहार में, प्रतिरोध मापने में काम आता है, ये जो यंत्र है इसका इस्तेमाल हम लोग प्रतिरोध मापने में करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, विद्युत धारा का मात्रक, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, पता है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, तो आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब, ये तो आपको पता ही है, आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा भैया, कूलम्ब होगा, ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है भैया, यहाँ पे करेक्ट आंसर प्रतिरोध होगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने में, सुनने का मंत्र कहलाता है, यंत्र होगा सर, यहाँ पे यंत्र कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया, यंत्र होगा। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र, पानी के अंदर भी अगर आवाज सुनना चाहते हैं, उस यंत्र को क्या कहा जाता है, ऑडियोमीटर या ऑडियोफोन कहा जाता है, हाइड्रोमीटर कहा जाता है या हाइड्रोफोन कहा जाता है, जल्दी जल्दी बताएंगे क्वेश्चन, फटाफट आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। हमने पूछा पानी के अंदर, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो है वो क्या कहलाता है, पानी के अंदर अगर आप ध्वनि को सुनना चाहते हैं तो उस यंत्र को क्या कहा जाता है बताइए, अगर आपको पानी के अंदर भेज दिया जाए और आपको बोला जाए कि आपको सुनना है तो इसको हाइड्रोफोन कहा जाता है। हाइड्रोफोन आपने देखा है क्या, हाइड्रोफोन देखा है, ऐसा ही होता है हाइड्रोफोन, जो पानी के अंदर डाल दिया जाता है और आवाज को आप सुन सकते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका हाइड्रोफोन, डी इज द राइट आंसर, हाइड्रोफोन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सापेक्षिक घनत्व को आपको समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अगला सवाल क्या है, लाउड स्पीकर में जो ऊर्जा परिवर्तन होता है तो लाउड स्पीकर क्या करता है बताओ, ऊर्जा का रूपांतरण, तो पहला ऑप्शन है ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में,
तीसरा ऑप्शन है ध्वनि विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में यांत्रिक से ध्वनि। लाउड स्पीकर, मान लो आपके घर में लाउड स्पीकर है, ये आपका स्पीकर है, इसमें तुम गाना सुनते हो सर। अब ये क्या करता है, इसमें आप क्या देते हो, तार लगाते हो, तार, ये तार क्या ले गया, करंट ले गया, तो आप आवाज थोड़ी दे रहे हो उसमें, करंट दे रहे हो, ये क्या दे रहा है आपको, साउंड दे रहा है। तो ये करंट को विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा होगा, अब विद्युत ऊर्जा वाला पढ़ो, विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे आपका बी इज राइट आंसर। बी कितने लोगों ने आंसर बताया बताओ, हम इसके पीछे जाके थोड़ी बोलते हैं, इसमें करंट दे देते हैं, सिर्फ तार जोड़ देते हैं। लाउड स्पीकर में क्या करते हैं, पीछे तार जोड़ देते, तार जोड़ रहे, इसका मतलब, तार जोड़ रहे इसका मतलब क्या होता है भैया, करंट ही हम दे रहे हैं ना। अब मेरे पास माइक्रोफोन है जिसमें हम बोल रहे हैं, आवाज जा रहा है। अब तुम्हारे मोबाइल में भी लाउड स्पीकर होगा, आवाज आ रहा होगा, हेडफोन में भी होगा, उसमें तार गया होगा। देखिएगा, लाउड स्पीकर में हमेशा करंट चाहिए, तभी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना, सही है मेरा। चलो अगले सवाल में चलते हैं, गलती उलती मत कीजिए, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी या डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएंगे। बहुत शानदार शानदार नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 39 है आज वाले टेस्ट में, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन है आपका, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डायनेमो। डायनेमो आपके जनरेटर में लगा होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का। आप रिक्शा में भी, साइकिल में भी डायनेमो लगा देते हैं ताकि मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। बचपन में एक छोटा छोटा डायनेमो मिलता था ना, लगाते थे साइकिल में, जो लाइट बल्ब जलाने में मदद आता था। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका डायनेमो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, डायनेमो, ट्रांसफार्मर। आप कहेंगे सर स्पीड पढ़ा रहे, स्पीड नहीं पढ़ा रहे, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने, बहुत इंपॉर्टेंट समय है और एकदम एक घंटा पूरे ध्यान से पढ़ेंगे आप। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो विद्युत ऊर्जा बोले तो विद्युत मोटर को पकड़िए, विद्युत मोटर जो है ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा विद्युत मोटर होगा। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, फटाफट एक बार शानदार तरीके से थोड़ा शेयर कर दीजिए सेशन को। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 29, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को, हमने पूछा है केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाइक थोड़ा कर दिया कीजिए आप लोग, आपकी संख्या का बहुत कम बच्चे ने लाइक किया है। बहुत ही बेहतरीन सेशन आपको कराया जा रहा है सर, तो पूरे अच्छे से ध्यान लगा के चीजों को देखा कीजिए। हमने क्वेश्चंस क्या पूछा है आपसे, पूछा रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा यहाँ पे क्या होगा, बैटरी जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी इज राइट आंसर, सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किसमें किया जाता है, रेक्टिफायर पूछा है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, बता दो, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, भैया बताइए रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग हमने पूछा है, क्या पूछा है, रेक्टिफायर का प्रयोग, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अल्टरनेटिंग करंट को जो है डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का, जो आपके इन्वर्टर में भी लगा होता है, मोबाइल चार्जर में भी लगा होता है। आपके मोबाइल चार्जर को देखिएगा तो पहले ऐसे लगा होगा, दूगो प्लग होगा, फिर ऐसे तार होगा, फिर आपके मोबाइल में जा रहा होगा, किसमें जा रहा होगा, मोबाइल में, लैपटॉप में भी लगा होता है रेक्टिफायर। ऐसा नहीं कि खराब हो गया तो ऐसे डायरेक्ट तार जोड़ दीजिएगा, समझ में आ रहा, उड़ जाएगा मोबाइल।
तो बात हम क्या समझा रहे हैं, यहाँ पे रेक्टिफायर होता है इसके अंदर, जो एसी करंट को, बिजली एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर, मोबाइल चार्ज होता है डीसी से, लैपटॉप चार्ज होता है डीसी से, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो कौन करता है, रेक्टिफायर। ओके, अगले क्वेश्चन में चला जाए। नेक्स्ट सवाल क्या, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है केबल एसी में, केबल डीसी में, एसी डीसी दोनों में, इनमें से कोई नहीं, बताओ। ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बता दीजिए सर, जल्दी जल्दी। ट्रांसफार्मर का जो इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफार्मर का जो इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफार्मर, आज आपका टेस्ट 4 चल रहा है, टेस्ट 3 आज हमने नहीं कराया, टेस्ट 4 चल रहा है, कल आपका जो होगा टेस्ट 3 होगा, समझ में आ रहा है बीपीएससी वाले। तो हमने पूछा ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो सिर्फ आपके एसी करंट पर वो काम करता है, किस पर काम करता है, एसी करंट पर काम के करता है। और थोड़ी सी रुक जाओ, 4-5 क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, टेलीफोन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे आपका विद्युत ऊर्जा होगा, टेलीफोन लाइन में आपका विद्युत ऊर्जा होगा, 32 नंबर का आंसर। थोड़ा स्पीड में चलते हैं। शुष्क सेल किस तरह निहित होता है, शुष्क सेल में क्या होता है, ड्राई सेल, जो बैटरी आपने देखता है, जो टॉर्च में आप लगाते हैं आपका, उसमें क्या होता है, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है, क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, शुष्क सेल में आपका रासायनिक ऊर्जा होता है, शुष्क सेल में आपका रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल एनर्जी। कौन सा यंत्र है एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदलता है, तो यहाँ पे आपका होगा ट्रांसफार्मर, क्या होगा, ट्रांसफार्मर जो होता है एसी को अप डाउन करने में मदद करता है, कौन, ट्रांसफार्मर जो है एसी करंट को अप डाउन करता है, कौन, ट्रांसफार्मर एसी करंट को अप डाउन करने में काम करता है और कार्य भी करता है एसी पे। आज आपका सेशन यहीं तक था, जय हिंद जय भारत, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में शानदार तरीके से। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ओके।